जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में सोमवार को एनेक्सी भवन के सभागार में शांति सद्भावना की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाते हुए बकरीद का त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि पहले सुरक्षा उसके बाद अन्य कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, अपने जीवन में पड़ोसियों एवं परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें। उन्होंने कहा प्रशासन त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध है। डीएम ने कहा कि आपसी मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाया जाए। उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर तार पोल को ठीक करने के साथ ही अनवरत रूप से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरती जाए। उन्होंने जनपद के सभी थानों पर शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश सभी थानाध्यक्ष को देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखें। उन्होंने त्यौहार के अवसर पर छुट्टा पशुओं के विचरण पर पूर्णता प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। डीएम ने नगर निगम को निर्देश दिए कि नालियों की सफाई कराने के पश्चात उसके मलबों को शीघ्र हटा दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष का निस्तारण शहर से बाहर करें तथा ट्रॉलियों को ढककर ले जाया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने कहा कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी तथा नई परंपरा लागू करने की अनुमति नहीं होगी, परंपरागत व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद की नमाज अदा करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, SPCT सोनम कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर RK श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, ADM प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, शांति सद्भावना समिति के सदस्य डॉक्टर सुधाकर पांडे, संजय सिंहानिया सहित अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि इस पर पहले से जो तैयारियां की जानी है उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न रहे और पर्व मनाते समय और उसके बाद किसी भी प्रकार की शांति भंग होने की आशंका न रहे। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका में हम लोगों को सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन दोनों को महत्वपूर्ण समझना है अपने जीवन की रक्षा के लिए और अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, संबंधियों की रक्षा के लिए। किसी भी प्रकार का सिम्टम आने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, टेस्ट करवा लें, खांसी, जुकाम, बुखार, मोशन, ऐसे सिम्टम हैं जो जनरली कॉमन सिम्टम हैं। ये लेटेस्ट डेल्टा वायरस के भी सिम्टम हैं, सर में दर्द होना और कॉमन सा फिनोमेना है हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम का। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा है, इसके बाद त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से कुशलता से संपन्न कराए जाने के लिए सभी ऑफिसर, जिम्मेदार ऑफिसर, जिम्मेदार नागरिक और प्रेस मजदूर के सभी साथियों यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत है। जिला मजिस्ट्रेट साहब भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना है। विद्युत विभाग से अधिकारी आए हैं, कोई विद्युत विभाग के रिप्रेजेंटेटिव XNAE, तो आप विशेष तौर पर अपने चीफ आपको बता दीजिएगा कि अनवर विद्युत सप्लाई के लिए शासन को जो बैक लेटर पहले से जाते हैं वो चले जाएं, ताकि विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बकरीद के त्यौहार के
सबसे बड़ी हाँ भैया अभी बैठक में हूँ, अभी थोड़ी देर में बात बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी जो हम बकरों की दी जाती है उसमें जो मांस खाल और अवशेष बचते हैं इसका डिस्पोजल जितनी जल्दी और जितना ट्रॉलियों में ढक कर सफलता से शहर से बाहर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उतनी ही साफ सुथरी सड़कें, उतना ही साफ सुथरा माहौल, उतनी ही खुशियाँ आसानी से के पर ही मनाई जाती है। संबंधित मंडल में स्वतंत्र पहुँचाए जाने के लिए अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित सफाई टीम जिससे कि जानवरों के अवशेष को सुरक्षित हटाया जा सके, दूसरा मानवियों की सफाई और चूने के लोगों को की सफाई और चुनने की व्यवस्था भी लार्ज स्केल पर मानसर घर कई जल की उपलब्धता उन्हें जल की उपलब्धता लगातार शुद्ध पेयजल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए। जो सफाई बढ़ी जा रही है तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस को पालन करना है और मास्क लगाकर ही जाना है। के संबंध में दो प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर परंपरागत रूप से नमाज संपन्न की जाती है, ऐसे सुबह की ट्रैफिक व्यवस्था और साथ ही साथ जो भारी वाहन है उनके संबंध में ट्रैफिक के लंगर की व्यवस्था और भारी वाहनों में बसों की व्यवस्था और हमारे जो अन्य भारी वाहन प्रकार हैं उनके संबंध में व्यवस्था। इस बार चूँकि कोविड काल है, निर्धारित संख्या है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे स्थल हैं यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, यहाँ पर कोई भारी वाहन एकत्र नहीं होना है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे स्थलों पर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा और ऐसे स्थलों पर ट्रैफिक की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बकरीद के त्यौहार को स्वतंत्रपूर्वक मनाए जाने के उद्देश्य से नगर निगम के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और जितने भी हमारे इंस्पेक्टर लगे हुए ऑफिसर्स हैं उनकी ज्वाइंट बैठक 17 तारीख को ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और सभी को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। हम लोगों ने महानगर में मुख्य रूप से 144 मस्जिद ईदगाह आदि का चयन किया हुआ है जहां पर कि हमारी लगातार सफाई पूरा निस्तारण विसंक्रमण तथा सैनिटाइजेशन वॉगिंग एंटी डावा आदि का कार्य कराया जा रहा है। जो हमारे जब 21, 22 और 23 को जो कुर्बानी होगी हर जगह पर हमारे दो दो आदमियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो हमारे 5 जोन हैं हर जोन में जितने संवेदनशील स्थान पे हमारे दो दो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ तैनात किए गए हैं। कुर्बानी से निकलने वाले अवशेषों के निस्तारण हेतु 59 गाड़ियाँ जिसमें कि ट्रैक्टर लोडर जीसीबी हाईवा ट्रक आदि को 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के लिए लगाया गया है। इनके लिए जो हमारी गाड़ियां जाएंगी इनको जो अवशेष रहेंगे जब उनको डाला जाएगा जो नीचे उनका ब्लड नीचे जमीन पर ना गिरने पाए इसके लिए हम लोग नीचे भी तिरपाल लगाएंगे और जब लेके उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऊपर भी उसको पूरा कवर करने के लिए तिरपाल की व्यवस्था कर ली गई है। मैं कीमती समय मैं यहाँ पे इस कमेटी मीटिंग में अपने आवाज़ नहीं आ रही है
अपने कीमती समय में यहाँ पे उपस्थित होकर अपने राय देकर अपने पुलिस और प्रशासन को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले की समिति कमेटी के सदस्य का और व्यापारी भाई बंधु भी यहाँ पे हैं और उपस्थित सभी मीडिया के लोग, पहले तो इस त्यौहार के पर्व को सभी को बधाई। पुलिस की भ्रष्टाचार चौगुण रहेगा, पहले तो जहाँ पे भी व्यवस्था जो भी व्यवस्था हो जो भी परंपरा करते हो वही रहेगा। सबके लिए जो नई परंपरा है कोई शुरू नहीं किया जाएगा, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अलग रहना होगा। तो कोई नई परंपरा शुरू नहीं कर, जहाँ पे पहले कभी कुर्बानी नहीं होती थी वहाँ जाकर जबरदस्ती कोई कुर्बानी ना करना, और जहाँ पे होती है प्रॉपर तरीके से ढक के ऐसा ना हो गए नाली में गिर गया, इतना खून बह रहा है कि बगल के रहने वालों को दिक्कत हो रही है, ऐसा ना हो प्रॉपर तरीके से ढक के हो जाए। इस बीच में जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है शुरू में ही आप लोगों को मैंने बता दिया, पता दिन शुरू में ही सभी अधिकारियों को एवं थाना अध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है अपने मीटिंग करने को। मेरे हिसाब से शहर में काफ़ी जगह हुई और हम लोगों का किसी वजह से लगातार कुछ ना कुछ होता रहा, टलता गया, आवाज हो पाया। आगे इस चीज़ को कम से कम एक हफ्ता 10 दिन पहले रखा जाएगा आने वाले त्यौहारों के लिए। बाकी मेनली ये है कि जानवर मतलब कुत्ता और भी तमाम जानवर, ये क्या करते हैं कि अवशेष साहब आपकी मनसा नहीं होगी कि भाई लोग चराए पर जाए, तो वो जानवर को कौन समझाएगा? जब तक आप खुद ही उसको प्रॉपर तरीके से करके नहीं रखेंगे वो निश्चित रूप खींच के ले जाएगा चराए पर। ऐसे कहीं जगह हो चुका है, किसी के घर के अंदर डाल दिया, किसी के धार्मिक स्थल पर डाल दिया, किसी चौराहे पर डाल दिया, किसी मंदिर के सामने डाल दिया, किसी कहीं पर डाल दिया, जिसे माहौल खराब होता है। माहौल खराब होने से नुकसान शहर का होता है, अपना मोहल्ले का होता है। तो हम लोग तो यार कुछ दिन का मेहमान आज रहेंगे, 7-6 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे, हम लोगों का ट्रांसफर तो क्या होगा। बट आपका आपके दादा परदादा यही है, आपके बच्चे यही हैं, लोकल में जितना जिम्मेदारी हम लोगों का है उससे 10 गुना, जैसे उन्होंने साहब ने कहा है और भी लोगों ने कहा है, जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा है कि आप अपेक्षा आप कर सकते हैं नगर निगम की गाड़ी टाइम से पहुँच जाए, बट जितना मैन पावर है उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि घर के दरवाजे मार के आप यहाँ कलेक्ट करके जाए। आपकी गलियों में गाड़ी आ नहीं सकती है, आपको तब तक के लिए सुरक्षित रखना होगा और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपने वहां तक पहुंचाना, और इसके पूरा सहयोग और सारे जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता हम करेंगे। दूसरी बात ये बात मोहल्ले तक गली गली तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग से अपने जो जैसे भी माध्यम से पहुंचाए डिजिटल वॉलंटियर से, क्योंकि कुर्बानी हर जगह नहीं होती है, कुर्बानी चिन्हित जगहों पर होती है, और पूरा मोहल्ले में अगर कुर्बानी हो रही है तो उस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट उसके मोहल्ले के बगल में जो अन्य लोग रहते हैं उनमें दिक्कत होगी। ऐसे में स्ट्रैटेजी के लिए आपको अपने मैन पावर डिप्लॉयमेंट रखना होगा, साफ सफाई के कर्मचारियों की टीम्स और गैंग्स रखना होगा, और पूरा 3-4 दिन आप लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ये सब देखती है। पानी की व्यवस्था इसलिए चाहिए कि अगर बुलवाना है उस जगह पर पानी की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। वैसे सभी बात तो बता चुके हैं, सब लोग शेयर भी कर चुके हैं, वैसे कप्तान साहब का पीड़ा भी आपने महसूस किए होंगे, वो पीड़ा हमारा दिल में भी है और अभी भी दुख हमारा कम नहीं हुआ है। तब तक जो जनता पीड़ित रहते हैं, आज भी सुबह 5 केस लेके आया हूँ, किसका पति मर गया, विधवा महिला आई थी सर में चाट हो ठिकाने के लिए जगह नहीं, 2 बच्चे हैं कोरोना से मर गए, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत दुख लगता है।
मेरा क्षमता है कितने मैं मदद कर पाऊंगा मुझे भी नहीं पता, ईश्वर करने वाले मुझे वो लोगों को बला करने के लिए, बाकी भी हम प्रत्या आए कितने लोगों का जीवन तो वापस नहीं आएगी, उनका आर्थिक पटरी में लाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, वैसे जिलाधिकारी के रूप से मैं कितने कर सकते, व्यक्तिगत रूप से वो कर रहा हूँ, सिस्टम में सुधार कितने करना उतने हैं, आर्थिक आप जो सही कह रहे हैं दो तीन लोग में आर्थिक पटरी से भी व्यवस्था तो उतर चुकी है, उसको भी दोबारा लाना है, उसको बहुत हो सकता है यदि वाहन आ रहा जो भी है, तो जिंदगी तो आगे बढ़ते रहना होगा, तब तक सांस है तब तक जीना भी पड़ेगा, मगर यही मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सारे दर्द वही आदमी को समझाता है, जो नर सेवा से बढ़ के कोई सेवा है नहीं, उसको नर नहीं बचेगा तो फिर सेवा भी नहीं बचेगा, भवन भी नहीं बचेगा। पहले चीज जो इस पर कॉम्पिटिशन का बात नहीं, मैं 500,000 आदमी के इकट्ठा करूँ, 50,000 इकट्ठा करूँ, बस कितने का हम सुरक्षित रख के कोई भगवान का प्रार्थना करें, हमारा दुआ हो स्वीकार करें, और कुर्बानी का दिन में वो गरीब लोग का हम कितने मदद कर सके, हमारा पड़ोस में भी कोई हो सकता है, उनके घर में भी कोई कोरोना से गुजरे होंगे, उनको जरूर जो भी धर्म का जाके जरूर दो उनकी मदद करें, असली जो वो मैं कह रहा हूँ जो आप देंगे वो सीधे भगवान को छूट जाएंगे, इतने में गारंटी के जरूर कह सकता हूँ। और इस समय में हर परिवार कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था में किसी का आर्थिक रूप से कमजोर हुए होंगे, किसी का बड़ा लास्ट लॉ होगा, इतने भरपा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति में इतने अपील करने चाहता हूँ ये करिए, ताकि थर्ड वेव का कहीं ना कहीं है, थर्ड वेव बहुत सारे देश में आ चुकी है, ये सच्चाई है, हमें सुधारना ही पड़ेगा। अपने सुने होंगे डेल्टा प्लस का वेरिएंट गोरखपुर में भी पाया गया है, उस तरह से पहले चल रहा है, हमें पता है डेल्टा की वेरिएंट का क्या फर्क पड़ता है, उसके आगे भी वेरिएंट है उसका क्या होगा, बट हमें तो दो बार लहर ने सिखाया हम कहाँ कहाँ अलर्ट है, कहाँ कहाँ तैयारी के साथ थे, हम याद करें पहला वेव में कैसे थे हम लोग, कैसे संभाले, दूसरा वेव में जरा से भी चुप हो गए, अब सब लोग हल्के में ले लिए, उसका तो कितने भोगना पड़ा हम लोग, अभी भी देखिए कोरोना में कल भी का 4 केस गोरखपुर में रिपोर्ट हुई है, अभी भी 40 एक्टिव केस है, हम ऐसे नहीं है जीरो केस में, केसेस तो आ ही रहे हैं, कहीं कहीं रिपोर्ट हो रहा अभी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, बहुत लोगों को कोरोना से बच के हैं, पर कहीं ब्लड फंगस में 170 लोग हैं, कुछ लोगों का कोरोना के बाद के कॉम्प्लिकेशन है, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, कहीं शरीर में कोई जगह प्रॉब्लम हो चल रहा है, मतलब मामूली स्थिति में नहीं है, ये तो मैं यही तो मैं आपको मैसेज देने चाहता हूँ, ये किसी पूरे साल रहेगा इतने तो निश्चित है, यानी जो IIT कानपुर और तमाम जो संस्था है ICMR सब लोग प्रेडिक्ट किए अगस्त दूसरे सप्ताह में ये लहर आ सकती है, वो कह रहे थे उनके प्रेडिक्शन हिसाब से कम 4 माह हमें गुजरना पड़ेगा इसी को, उसी के हिसाब से सारे राज्य अपने तैयारी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, गोरखपुर में पिछले बार आयोजन का बहुत शॉर्टेज आप जानते हैं, सिलेंडर लेके कितने लोग कहाँ कहाँ तड़प रहे थे, कहाँ परेशान थे, तो हम लोग भी सिस्टम कोई सोया नहीं, आप भी देखते होंगे दिन रात पर हम लोग भी आयोजन का देखे दौड़ रहे थे सिलेंडर लेके कितने बचा पाए कितने बचा पाए, आयोजन का हम लोग व्यवस्था तो कर लिए, दवा का भी व्यवस्था कर लिए, बट एक सीमा होता है पहले जो हमारा पास 500 बेड था अभी तो उसको 5,000 कर दिए बेड जो सीरियस पेशेंट का ICU लगा के, बट अब मान लीजिए 5,000 तक का क्षमता है, उससे आगे भी जहाँ कितने लोग आएंगे कितने कम आएंगे हम कह नहीं सकते हैं, उसका तो कैसे होगा था कि हर बार वेव आता है अलग अलग चुनौतियाँ देती है, पहले वेव में हमें PPE किट का जरूरत था, ग्लव्स का जरूरत था, डॉक्टर लोग तैयार नहीं थे, सेकेंड वेव में बाकी चीज़ तो तैयार नहीं थी, ऑक्सीजन का डिमांड प्रॉब्लम हो गई थी, रेमडेसिविर कुछ दवाएं ऐसे हो गया है उस पर तो सप्लाई प्रॉब्लम हो गई थी, अब तीसरे लहर में अभी भी कुछ उसके पहले हम वैक्सीनेशन की व्यवस्था तो कर ही रहे, हाँ एक चीज तो जरूर है गोरखपुर में वैक्सीनेशन अच्छा खासा कवर हुआ है, 7 लाख जनसंख्या में तकरीबन 50% हम लोग कवर करने की स्थिति पे आ गए, यानी 25 लाख ऊपर हम लोग कम से कम एक वैक्सीनेशन तो लगा चुके हैं, बट उससे कैसे असर पड़ेगा हम भी नहीं कह सकते, हम साइंटिस्ट नहीं है, दो वैक्सीनेशन का जरूर वैक्सीनेशन लगाने वाले का जरूर तो फर्क आया है, हम कप्तान साहब इसी वजह बच्चे हैं जी हैं, पहला वेव में हम दोनों लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, सेकेंड वेव के पहले हम लोग वैक्सीनेशन लगाया, बीच में भी दौड़ भाग किए हैं, इसलिए तो हो सकता है हम लोग बच के निकले होंगे, वैक्सीनेशन का जरूर फायदा होगा, इसलिए आपको भारी आने में जरूर वैक्सीनेशन लगा जो उनका पूरा होगा, बस 21-22 23 का बरसात का आशंका मौसम विभाग के हिसाब से, इसलिए बारिश के हिसाब से आप तैयारी करना पड़ेगा, जैसे कप्तान साहब ने बताया कि कुर्बानी करना है तो कैसे अवशेष को डिस्पोज करना है,
हाँ जरूर नगर निगम की भूमिका बहुत अहम होता है ताकि सफाई सुविधा वो बहुत अहम है ताकि ये जो त्योहार में उसी जल्दी वो जगह तो गंदगी तो हो ही जाता है गुरबानी से उसी का तुरंत हटाके करें। पिछले बार भी थोड़ा चुटपुट घटना तक हो जाता है ताकि सब लोग एक मनसा के हिसाब से नहीं रहते हैं छोटी छोटी चीज से लेकर वीडियो बना लेते हैं चुनाव भी नजदीक है किसी का वो चुनाव का मुद्दा के रूप से भी दिख जाता है और इसलिए तो उसका मौका नहीं देना है। नगर निगम से बड़ा अनुरोध है हर जगह नोडल बना लीजिए लिखा पड़ी है कुछ सेपरेट व्हीकल्स आप रेडी रखिए कहीं मान लीजिए रोगी के बाद भी कहीं जरूरत पड़ता है अतिरिक्त रूप से वो तुरंत पहुंच जाए। और ये कंट्रोल रूम नायब कमिश्नर साहब आने के बाद अच्छा खासा उन्होंने व्यवस्थित किए हैं उसको प्रचार प्रसार भी करेंगे और तुरंत अटल भी हो जाता है उसका हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे जैसे कर चुके हैं उन्होंने कहा उसे डिस्पोज करेंगे कैसे डाटा के ले जाएंगे। पिछले बार से हम लोग ज्यादा गाड़ियाँ इसमें इस्तेमाल करेंगे दो गुना ज्यादा करेंगे उसके साथ साथ हम जो कोविड का नॉर्मल प्रोटोकॉल का सफाई होता है सोल्यूशन से सफाई करना वो चीज़ भी करेंगे और ये भी अनुरोध है आप रात्रि सफाई एक दिन पहले ही शुरू कर दीजिए ताकि जो खासतौर पर उन मोहल्ले में कहा जो कुर्बानी होने के लिए बोले आप कुछ जगह रात्रि सफाई कर रहे हैं उसके एक दिन पहले इसी मोहल्ला का स्पेशली कवर कर दीजिए और उसी दिन भी कवर कर दीजिए किस तरह रात में रात्रि सफाई ताकि दिन में कुछ छूट गया तो वो भी कवर हो जाए करके वाइल हो जाता है। जो बिजली विभाग का है तो बिजली विभाग को भी घंटे पर बिजली देना है तो उनका जिम्मेदारी उसके अलावा कहीं तार गीला हो कहीं कोई प्रॉब्लम है कहीं बिजली का उसको तो तुरंत सही करा लें और SDM साहिबान का मैं अनुरोध करता हूँ सभी लोग हैं आपने आज ही मीटिंग करा दी वो तो कर चुके हैं नेता जी करा दी छोटी छोटी इशू होता है उसको जरूर नोट करा लीजिए बड़े छोटी छोटी मान लीजिए आपको मोहल्ले में कहीं गड्ढा है कहीं पानी जल भराव है कहीं तार जर्जर है कहीं और कोई अन्य इशू है पुराने इशू भी है कोई हाईलाइट करा तो उसका हल्के में जरा मोट लीजिए जरूर जो भी इशू है हल्का नहीं होता है मतलब कितने समय में कैसे अधिकारी बड़ा आपके मुख मिलेगा नहीं पता चलता है इसलिए हमें लाइट भी नहीं देना है यदि परंपरा का कोर्स से कहीं आपको जवाहर रजिस्टर में तो जरूर थाने में होगा उसको देख लीजिए कहीं परंपरा का कोर्स से कहीं घटना रिपोर्ट आ जाए कहीं इश्यू है वैसे कप्तान साहब ने बताया परंपरा जो पुराना परंपरा वही चले आना कतई किसी भी रूप में नया परंपरा हम नहीं करेंगे उसको तो कहीं होने भी नहीं देना है पुराना परंपरा का बरकरार रखना है उसको और बेहतर करके जन सहयोग के साथ चलाना। देखिए आज पीस कमेटी मेंबर्स की मीटिंग की गई थी तमाम मोहल्ले कमेटी की मीटिंग्स हो गई था थाने लेवल पे तहसील लेवल पे मीटिंग हो गया था जिला लेवल पे मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था तमाम विषय पे चर्चा की गई और शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील भी किया गया कोविड नियमों का पालन करने की भी कहा गया।